दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। काफ़ी दिनों से वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा गैप में आ रही है भाई। उसका रीज़न है, अभी कुछ आप लोगों में ऐसे ही एक भाई लोगों ने बोला था, एक भाई लोग ने कमेंट करके कि अजय भाई वीडियो रोज़ मत डाला करो, हफ्ते में एक वीडियो डालो। तो अपन ने भाई हफ्ते में एक वीडियो डालने लगे। और अभी कुछ दिन पहले दोबारा मैसेज आ गया एक और इंस्टाग्राम पे कि भाई आप रोज़ वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, रोज़ वीडियो डालो, एक लोगों के बोलने से क्या होगा, आप हमारी भी तो सुनो, आप रोज़ डालो। तो भाई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या करूँ भाई। मुझे तो अभी ज़्यादा फायदा था कि चलो कम से कम रोज़ वीडियो नहीं डालनी पड़ेगी, थोड़ा रेस्ट मिल जाता था। नहीं तो रोज़ वीडियो डालने के चक्कर में भाई बड़ी मेहनत हो जाती थी, बड़ी मतलब क्या बताऊँ, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम भी है यार। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। देखो, जो बनाता है उसे पता होगा कि वीडियो को बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, उसके बाद उसे थंबनेल बनाना, बहुत सारी मतलब उसमें मेहनत है। सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने शूट किया और वीडियो बन गई। तो भाई आप लोगों में से दोबारा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसे चाहिए, हफ्ते में एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, हफ्ते में सातों के साथ चाहिए, तो अपन बना देंगे। बाकी अपन ने मार्केट एक्सप्लोर करने का भी एक नया वो निकाला है, सोच रहा हूँ कि मार्केट एक्सप्लोर करना चालू करूँ, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मार्केट पूरी एक्सप्लोर करें। अभी हमने कुछ सामान लिया है, मैं अभी कल मार्केट गया था तो वहाँ पे भाई मैंने कुछ सामान था होंडा का जेन्युइन जो ऑर्डर लिया उन्होंने, हालांकि मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए, फिर मैंने सोचा यार नहीं, पहले एक बार आप लोगों से राय लेते हैं कि आप लोगों को होंडा के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, या मतलब एक ऐसा वीडियो चाहिए जो होंडा के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर हो, होंडा का जो ऑथोराइज डीलर है, जो होंडा के ही पार्ट्स बेचता है, होंडा और उसके अलावा अदर कंपनी भी होगा तो वो उसकी अपनी वो है। बाकी हम आपको होंडा के जेन्युइन डीलर की वीडियो बना के दें या ना दें, ये आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करना। अगर आप बोलेंगे तो आपको अगले मतलब दो चार दिनों में दोबारा जाएंगे और एक वीडियो बना के देंगे कंप्लीट होंडा के जेन्युइन डीलर की, कि आप कहां से होंडा का सबसे सस्ते में मतलब जेन्युइन का जेन्युइन भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि होंडा का जेन्युइन, क्योंकि देखो करोलबाग के अंदर सारी दुकानें ट्रस्टेबल नहीं है, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो देसी माल बेच रहे हैं, दिखाएंगे जेन्युइन होगा लोकल, तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइन ऑथोराइज डीलर हैं, तो जो मतलब लोकल में कभी डील नहीं कर सकते, जो कॉपी भी नहीं करते, धोखाधड़ी भी नहीं करते, तो अपन उन्हीं को वही छांट छांट के निकालते हैं अलग, जो जेन्युइन ऑथोराइज डीलर हैं, ट्रस्टेड बंदे हैं, उनकी वीडियो अपन बना के देंगे। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना अगर होंडा के ऑथोराइज डीलर की वीडियो चाहिए, तो आपको अगले हफ्ते के अंदर मतलब विद इन अ वीक के अंदर आपको नई वीडियो बना के दे देंगे। फिलहाल हमने सोचा कि ये जो हम सामान लेकर आए हैं होंडा का जेन्युइन, इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाएं, खोलें, देखें क्या क्या है इसके अंदर। ये हमने होंडा की जेन्युइन लिया है, खोल लेते हैं पेटी को और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। भाई इकट्ठा लिया है हमने ये सामान, तो भाई होंडा के ऊपर हमने बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डाली, तो ये भाई होंडा की कुछ केबल्स हैं, एक केबल, दो केबल, देख लेते हैं किसकी है। तो ये केबल हमारी है होंडा एक्टिवा की लेफ्ट साइड की फ्रंट ब्रेक केबल है, 180 रुपये की। उसके अलावा ये है एक हमारा होंडा हॉर्नेट की है, K43 जो पार्ट नंबर होता है वो हॉर्नेट का होता है, हॉर्नेट की क्लच की तार आउटर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 152 रुपये की हो गई है, पहले भाई 100 रुपये की थी, अब 152 की हो गई है। ये हमारा एक्टिवा 125 की टाइमिंग चेन है जेन्युइन, 232 रुपये। अभी इसमें से किसी की अनबॉक्सिंग अगर चाहिए तो आप बता देना, मैं आपको अनबॉक्सिंग की डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। ये हमने होंडा का जेन्युइन स्विंग आर्म लिया हुआ है भाई, एक्टिवा का, एक्टिवा 125, एक्टिवा 3G, 4G, 5G, प्लेजर सब में लग जाता है, ये मेस्ट्रो तक में भी लग जाता है, काफ़ी सारी स्कूटियाँ जिनमें होंडा से होंडा हो या हीरो हो सब में लग जाता है, ये TVS को छोड़कर। तो ये भाई होंडा के जेन्युइन ब्रेक शू हैं हमारे, इसके अंदर निकले हैं काफ़ी सारा, पेटी अनबॉक्स कर रहे हैं बेसिकली। हम गए थे मार्केट तो हमने सोचा कुछ सामान होंडा का ले लिया जाए, तो भाई होंडा का जो है होंडा पे ही मिलता है। ये बिल है, बिल ना दिखा के आपको सीधा दिखाएंगे कि कितना डिस्काउंट मिलता है, ये आपको जब वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं तभी बना के दूंगा, क्योंकि इसमें अगर दिखा दिया तो फिर कैसे मज़ा आने वाला है। तो ये एक और झूला है, ये भाई कुछ बुश लिए हमने फाउंडेशन के, इकट्ठे बुश आते हैं, पैकेट सिंगल बुश नहीं आता फाउंडेशन का, पूरा पैकेट आता है बुशों का। उसके अलावा ब्रेक शू और निकल रहे हैं इसमें, और भाई ये डिस्पैड है हमारा KSP, यानी कि यूनिकॉर्न और हॉर्नेट के डिस्पैड है, ये 700 रुपये के डिस्पैड है भाई, बहुत महंगे हैं यार ये भी। होंडा के कुछ पार्ट इतने महंगे कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा महंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ते भी हैं। 132 रुपये का ये क्लच का लीवर है, क्लच नहीं है ये, ब्रेक लीवर है एक्चुअली। ये एक्टिवा के अंदर जो है लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों में जो है ब्रेक लीवर ही लगते हैं यार, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। ये 124 पार्ट नंबर, K24 पार्ट नंबर जो होता है होंडा एक्टिवा की हैदराबाद का होता है, तो ये हैदराबाद है भाई। उसके अलावा यहाँ पर ये कॉन्सेट आ गया हमारा KEM पार्ट नंबर से, कॉन्सेट है 447 रुपये का हो गया, एक टाइम पे तो 400 का था, अब 447 हो गया। ये एक्टिवा का पार्ट कॉन्सेट है भाई, बड़ा महंगा है। उसके अलावा ये हमारा 297 रुपये वाले रूलर हैं, ये एक्टिवा 3G वाले हैं, 4G 5G में भी लग जाते हैं चाहो तो, और जो वैसे अगर अलग से लोगे तो KWN वाले रूलर आते हैं,
तो ये भाई हमारा बेंटेक्स की कैप है, 112 रुपये की हो गई है। बेंटेक्स की कैप आपने देखी है, जेन्युइन ही बड़ी सस्ती है। कुछ लोग इसे लोकल बहुत यूज़ करते हैं, तो मेरी गुजारिश है उनसे लोकल कभी ना यूज़ करें। अब ये हमने एक ऑयल पंप भी डालवाया है, देखो ऑयल पंप निकला है भाई इसमें, K24 ऑयल पंप है, सिर्फ और सिर्फ 141 रुपये का है। भाई हमें खुद नहीं पता इसके अंदर क्या क्या निकलेगा, हम तो बस ऐसे ही देख रहे हैं, क्योंकि माल हमने कल ख़रीदा था तो लिखवाया तो बहुत कुछ था, काफ़ी सारा माल तो ऐसा था जो नहीं मिला। तो 381 रुपये में ये हमें एक 381 रुपये का और सामान है, देखिए 381, इसके अंदर हमारा होंडा हॉर्नेट की टाइमिंग चैन है। तो ये है भाई टाइमिंग चैन, इसके अलावा भाई और क्या है भाई, निकले ही जा रहा है। ये टाइमिंग चैन के पैड हैं, देखिए 115 रुपये की एक MRP है और 24 रुपये की एक MRP है। भाई ये जो पार्ट नंबर है K24 और K24, ये एक्टिव 125 के टाइमिंग चैन पैड है, जो सिर्फ और सिर्फ 115 और 24 रुपए के दोनों हैं, मतलब सस्ते ही हैं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। ये लीवर एक और आ गया भाई, लेफ्ट साइड सेम लीवर है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक किक स्प्रिंग भी है, सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए की है, हॉर्नेट की है, KWB पार्ट नंबर से हॉर्नेट की किक की स्प्रिंग है, और भी ड्रीम योगा वगैरह में भी लग जाती है। खैर उसके अलावा ये एक चौक की तार है, शायद देखो डिज़ाइन से आपको चौक की तार लग रही होगी, है किस गाड़ी की, पार्ट नंबर देखो K43 है, इसका मतलब ये हॉर्नेट की है, और सिर्फ 84 की। ये हमारा ब्रेक शू दोबारा आ गए, और फिर एक बेंटेक्स कैप है दोबारा से, एक और है, ये क्लच के रूलर हैं K97 पार्ट नंबर वाले, जो कि एक्टिवा 3G में भी लग जाते हैं पर वैसे अलग आते हैं। अब ये आते हैं हम अपना KWF पार्ट नंबर से, एक टेंसनर है भाई हमारे पास। अब ये टेंसनर आप एक अकेली KWF बोले तो KWF जो है स्टैंडर का पार्ट नंबर है होंडा के अंदर, पर ऐसा नहीं है कि आप इसे स्टैंडर में लगा सकते हो, इस पार्ट को आप स्टैंडर के साथ साथ साइन में भी लगा सकते हो, एक्टिवा में भी लगा सकते हो, हॉर्न यूनिकॉर्न में भी लगा सकते हो, सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर में भी लगा सकते हो, बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें ये इकलौता टेंसनर जो है लगा सकता है। इसके अलावा भी किसी और गाड़ी में लगता है तो आप कमेंट करके बता देना मुझे। अब आते हैं दो पार्ट और बच्चे हमारे, ये क्या है, ये है हमारा K24। तो भाई ये सिलेंडर किट है हमारी, K24 वाली किट, पिस्टन सिलेंडर एक्टिव 125 cc, भाई साहब 3500 रुपये की बड़ी महंगी है यार। इसकी अनबॉक्सिंग अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगली वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग दे दूंगा मैं। और उसके अलावा एक है हमारे पास, क्या है ये, चैन सेट। तो भाइयों ये चैन सेट है हमारा 02380K43D00, भाई चैन सेट है, स्पॉकेट किट, दो कितना है 1241 रुपये, भाई 1241 रुपये का चैन सेट है, होंडा हॉर्नेट का है। K43 जो पार्ट नंबर है वो होंडा हॉर्नेट का होता है, हॉर्नेट को अगर आप जेन्युइन पार्ट नंबर, भाई होता है क्या ना, K38 और K43 हर मतलब जेन्युइन कंपनी के अंदर जो पार्ट नंबर के हिसाब से ही सारा पार्ट चलता है, पार्ट नंबर के हिसाब से ही आप उस पार्ट को पहचान सकते हो। किसी भी बाइक के पुर्जे के ऊपर नहीं लिखा होगा कि वो पार्ट किस बाइक का है, बस आपको पहचानना है तो उसके पार्ट नंबर के थ्रू पहचानोगे। हर बाइक का एक कोड मेंशन है, जैसे KWF जो है वो स्टैनर का है, जिस भी पार्ट नंबर के बीच में KWF आ गया आप समझ जाओ कि वो स्टैनर है, जिस भी पार्ट नंबर के अंदर K43 आ गया होंडा हॉर्नेट का है, होंडा हॉर्नेट का जो कोड है वो है K43 या फिर K38, अगर K38 आ रहा है तो भी वो होंडा का है हॉर्नेट का है, अगर K43 आ रहा है तो भी वो होंडा हॉर्नेट का है। अब ऐसे ही यहाँ पर मतलब हम देखते हैं कोई और पार्ट पकड़ लेते हैं, ये जैसे K24 आ गया इसके अंदर, ये है हमारा हेड रबड़ है एक्टिवा 125 की, क्योंकि इसके अंदर K24 है, K24 अगर आ गया तो एक्टिवा 125 की है वो, क्योंकि भाई K24 एक्टिवा 125 के लिए बनाया गया पार्ट नंबर है, जिस भी पार्ट नंबर में K24 आएगा वो एक्टिवा 125 का है, जैसा कि टाइमिंग चेन पैड के अंदर भी था देखो K24, तो ये भी एक्टिवा 125 के हैं। ऐसे KWP आता है अगर तो वो एक्टिवा 3G वाले हैं। तो ऐसे ही भाई हर गाड़ी के जो पार्ट है होंडा के अंदर, हर गाड़ी है मतलब बहुत सारी, ऐसा नहीं है होंडा की सिर्फ एक ही गाड़ी है, होंडा की बहुत सारी गाड़ियाँ, लीवो भी है, हॉर्नेट भी है, यूनिकॉर्न भी है, साइन भी है, स्टैनर भी है, तो सबके एक कोड बने हुए हैं स्पेयर पार्ट्स के भी, और उस कोड के अंदर वो कोड जिस भी पार्ट नंबर के अंदर आएगा, जिस भी पैकिंग के ऊपर वो कोड लिखा होगा, समझ जाइए कि वो गाड़ी उसी मतलब वो जो पार्ट्स है वो उसी गाड़ी का है। तो भाइयों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत दिनों से होंडा के ऊपर मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली थी, होंडा के पार्ट्स की वीडियो हमने आज डाल दी है। अगर इसको कहाँ से हमने ख़रीदा है, क्या डिस्काउंट मिला है इस पर, आपको क्या मतलब इसकी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताना, इस वीडियो में जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएगी मैं आपको उतनी जल्दी वीडियो बना के दूंगा। और मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।